अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हालत पे नहीं जाना कि बाल शाल सब ख़राब हुए हैं, क्योंकि अभी नहाया नहीं हूँ। बस सुबह नमाज़ पढ़ के आया था फजर की, तब से ये एडिटिंग शेडिटिंग चल रही है। छत पे आ गया था और अभी हुई है जी 58%। अभी भी 1 घंटा मज़ीद लगेगा इसको अपलोड होने में। और ये सुबह सुबह लाइट सा सूरज, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ है। दिन टाइम तो इस कदर गर्मी हो जाती है, इस कदर के क्या बताएं। लेकिन सुबह जो कुछ देर का सुकून रहता है और मज़ेदार हवाएं रहती हैं। और एक ही इसका मसला है, ये पापा ने अभी 1-2 दिन पहले लगवाई है और इसकी बिल्कुल भी सेटिंग ठीक नहीं हुई। क्योंकि अब जैसे ये टैंकी भरती है तो इसका ओवरफ्लो होने लग जाता है, पानी सारा निकलने लग जाता है। इसका बहुत टेंशन हुई हुई है और वॉल वगैरह बंद करने पड़ते हैं। पता नहीं इसकी क्या सेटिंग है, और इसको भी ईद के बाद सेट करेंगे। अभी बस वीडियो शीडियो अपलोड होगी, इसका वेट करेंगे और उसके बाद फिर अपनी रूटीन पे ही सो जाएंगे। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपके सामने ये इजी नहीं है। कम से कम वीडियो एडिटिंग में 1-1.5 घंटा लग जाता है, अपलोड में 1-1.5 घंटा लग जाता है। मेरा तो दिल कर रहा है कि लैपटॉप को आराम से रख के सो जाऊं और जब उठूंगा तब देख लूंगा। लेकिन बीच में अगर लैपटॉप बंद हो गया तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, वो अपलोडिंग कैंसिल हो जाएगी दोबारा से, और उसको दोबारा से फिर रीस्टार्ट करके दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो अब इसका वेट करेंगे और आपको ज़रा सुबह का व्यू दिखा दें। अभी ये सुबह सुबह का टाइम है इसलिए रश वगैरह नहीं है, वरना ये सामने जो बैंक वगैरह है ना, यहाँ पे फुल रश रहेगा सारा दिन और शोर ही शोर रहेगा। अब धूप बढ़ रही है, ऊपर छत पे सूरज यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन अभी तक अपलोडिंग पूरी नहीं हुई। अब बस इसको उठाते हैं और नीचे चलते हैं, अब जो होगा देखी जाएगी। अब मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ के, चार्जिंग भी कम हो गई है लैपटॉप की अच्छी भली, इसको ऐसे ही रख के और सो जाऊंगा। व्लॉग अपलोड करने के बाद मैंने सोचा था सोऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तकरीबन 8 बजे फारिग हुआ, 7:45 तक, और उसके बाद 10 से 15 मिनट सिर्फ सोया और साथ ही फ्रेंचाइज पे आ गया। पापा ने कहा फ्रेंचाइज खुलवाओ, उसके बाद जो लड़का होता है यहाँ पे एसएम भाई होते हैं, जो उनकी कोई फौत की हो गई वो चले गए। तो सुबह से 8 बजे से लेके इस टाइम हो रहे हैं 5:30, अभी तक यहीं पे हूँ। सिर्फ नमाज़ पढ़ने दरमियान में गया हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि काम भी बहुत है। इस वजह से ईद का बर्डन है ना, आगे ईद की छुट्टियाँ हैं, इस वजह से काफ़ी काम था आज, और इस टाइम बहुत ज़्यादा थकावट हुई है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एंड तक व्लॉग को देखिएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है व्लॉग, असल तो रात की पार्टी है। तो मस्जिद में लेट हो गया था, लेकिन मैंने भाई से ज़रा पैकेट ले लिया। मैंने कहा मुझे दे दो, चेक करें ज़रा अब इसमें क्या है। ओए ये क्या है, निम्को तो पहले ही खा ली है इसने, उसने तो मेरे से भी पहले चलाकी दिखाई है। वो टाइम से वहाँ पहुँच गया, लेकिन जूस है लेकिन गर्म है, मज़ा ही नहीं। ओहो मिठाई, ओए गुलाब जामुन ही नहीं है इसमें तो, काले वाला। लेकिन अब जो है वही खा लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लेवल हो गया लेवल। अखीर की बर्फी है फुल खोए वाली। अभी घर आ गया हूँ ज़रा, मस्जिद में अभी काफ़ी लेट है, बयान वगैरह होंगे, लेकिन हमने जो स्पेशल एंड पे आएंगे ना उनका बयान सुनना है, और दुआ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बयान करते हैं वो। और अभी भी ज़रा जो बाहर खाने के सीन्स हैं वो चेक करेंगे और कुछ पेट की भोजन करेंगे, क्योंकि तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, सहरी का वक्त हो जाएगा तकरीबन। घर पे बन रहा है अचार गोश्त और साथ खीर बनी है, वो ठंडी हो रही है फ्रिज में, और बाकी चिकन टिक्का वगैरह बाज़ार से ऑर्डर करेंगे। ओए होए 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 होए, और अब फाइनली बारी आती है टेस्ट की। जिस कदर सॉफ्ट और जूसी था, कमाल चीज़, सुभान अल्लाह। वहाँ पे ख़त्म कुरान भी हो गया, और उसके बाद जो मौलाना साहब वगैरह आए हुए थे उनका साथ खाना वगैरह भी खाया माशाल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो वगैरह क्यों नहीं डाली, तो अच्छा नहीं लगता कि किसी के साथ ऐसे खाना खा रहे हो, ख़ास तौर पे जो मौलाना साहब और ये लोग होते हैं, तो खाने के टाइम इसलिए वीडियो मैं नहीं बनाता। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आज का भी प्रोग्राम रहा, और अब घर आए हैं, घर आके खा रहे हैं स्पेशल खीर, बादाम वगैरह डाल के, मगज़ डाल के। मेन्यू में चिकन टिक्के थे, खीर थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, अचार गोश्त और काफ़ी चीज़ें थी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।